मिट्टू बोलता और जीका पर झनकार लगा रहे मीठी मीठी, पेड़ पर झनकार लगा रहे हमारे बड़े भाई, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता देशवाल डीजे साउंड कठूमर से एक कॉल लीजिए चिकनी भजनों का धमाका। सबसे पहले इस प्रांगण में मौजूद मेरी मात शक्ति एवं पंच कमेटी झिकड़ी के शौकीन श्रोतागण के चरणों में कृष्णा ठाकुर की तरफ से हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार, राम राम साज। देखो झिकड़ी को आनंद लेते रहो और चाय को आनंद लेते रहो। कवि ने अपनी कलम को उठाया और बड़े ही प्यारे शब्दों में दोहा के माध्यम से क्या कहा, कोई कहता है कि हम सोने के घर बनाएंगे, कोई कहता है कि हम बादशाह बन जाएंगे, लेकिन ये प्राणी जीवन की क्या औकात है, चार दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात है। देखो साहब ना साखी ना भवानी, डायरेक्ट प्रसंग पे ही चलते हैं। मेरा प्रसंग और मेरी कथा और मेरा जिक्र बाबा साहब उस समय का है जिस समय पांचों पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया जाता है और पांडव वन में 6 वर्ष व्यतीत कर चुके हैं और इधर हस्तिनापुर में दुर्योधन और शकुनी वार्तालाप कर रहे हैं के पांडव वन से वापस आ जाएंगे तो हमसे हमारा सारा राज्य छिनाएंगे। तो ऐसा किया जाए ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, और बाबा साहब मराठी आ रही और किस तरीके से प्रभु ने पास बुलाया। और देखो सब बाट जे संगीत, संगीत क्या चीज है, देखो संगीत वह शक्ति है। क्या बात है गुड्डू ताऊ जी, संगीत वह शक्ति है हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जब सुनाए रागनी रोगी को मिले आराम। और देखो सब कैसे मिलो आराम, ₹50 का पुरस्कार दौलत पीटीआई जी दे रहे हैं, 51 का पुरस्कार देशराज जी दे रहे हैं और 51 का पुरस्कार वल्लार साहब दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करता हूं। 51 का पुरस्कार भूरी सिंह डीलर जी दे रहे हैं और 51 का पुरस्कार धर्म सिंह नेता जी दे रहे हैं। और देखो सब ये 51 का पुरस्कार महेंद्र सिंह दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करता हूं। और पांचों भाई
कवि क्या कह रहा है, रामचंद्र कहे गए सिया से, यूं बता दो मेरी माता बहनाएं कछु दैव्य काज लाइए के ना लाई ए ना लाई, और कैसे रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आवेगा और या कंप्यूटर के बच्चा होंगे मर्द खड़ा रहे जावेगा, और क्या क्या बताया देखो सब, इन दस दस के नोटों ने कांते लगाए, पहले तो मौजू बता दो ए कोई बरात में चली आएगा, और कैसे ये एक सौ पुरस्कार बड़े भाई दलवीर जिलेदार दे रहे आशीर्वाद की कामना करता हूं, और भला किसी का कर न सको तो, भला किसी का कर न सको तो ये क्या उनके पुरस्कार केदार जी दे रहे आशीर्वाद की कामना करता हूं, इक्यावन का पुरस्कार रामचंद्र जी दे रहे, और देखो सब भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर नहीं बन सकती है तो कांटे बन कर मत रहना, मेन पॉइंट चीजें नहीं ले रहा हूं, जनता जा रही है, अब आ रही है झड़ बाबा साहब, बीस में पितुर उदास पहुंच गए पास करी है मन शंका, और दुर्योधन पास बुलायो टका या न्यू जनरेशन में का हीरो है, और ये सब इक्यावन के पुरस्कार घनश्याम प्रजापति दे रहे हैं। हाँ जी, एक भाई साहब कह रहे हैं कि लाला तू तो चटकीले मटकीले गाने न चलन दे, अब आप चटमी किला मटकीला ही गाना सुनिए, और किस तरीके से धुन क्या कह रही है, साची कहे गए लल्लू राम मेरे यार बुरो मत मानो, और कलयुग छाए रहो हो भर मार याते बच के रहियो भैया,
कलयुग की है अजब कहानी। और ये चमन का पुरस्कार हमारी बहन जी दे रही है, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। विजय सिंह जी दे रहे हैं और ये चमन का पुरस्कार चंदन जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और क्या बताया, कलयुग की है अजब कहानी, जो झूठ का कोई ज्ञानी। देखो जो बाबर है ना, माथे पे आर्य ठाड़े पत्थर करने लगा देंगे। आज ये कमर का पुरस्कार हेमराज मास्टर जी ने आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और पल्लिया किया बीच में सलका देंगे, और बीच किया पल्लिया में सलका देंगे। और तुमने गौर करो होगा कि बिन किनार में एक माला है, माला में एक घोट है, ये जानो भैंस किनार में पावड़ार दियो हुए। और कलयुग की है अजब कहानी, जो झूठ का गो पुई ज्ञानी। अरे ज्ञानी नत्य, अरे ज्ञानी नत्य कहत कमार याद बच के रहियो भैया, कलयुग छाए रहियो हो भरमार याद बच के रहियो भैया। ये कमर के पुरस्कार सोनम जी दे रही है, ये कमर के पुरस्कार दलवीर दर्जावर जी दे रहे हैं। और देखो साहब दूसरी पंक्ति मेरी माता बहनाए के लिए, जो बोले की ऊंचे स्वर में है भाई की बात चलेगी घर में। अगर ये घर में चार रोटियां होंगी और चाकू ने कटकटी सब बोले होगा, भाई की चलेगी घर में। और कैसे चलेगी, दादा खेत से पानी दे के घर पे आएगा और पानी सारा करो और भोटिया चूल्हे पर रोटी कर रही है। दादा ने कही हाँ, मैंने कही एक लोटा पानी लो और भोटिया गुर्रा के बड़ी हाथ रही है, जैसी प्यार से रही है तेरी। और अम्मा लग रही भूख, अम्मा माइक माई से चौप। और जो बोले ही ऊंचे है स्वर में है, बाइक की बात चलेगी घर में। अरे सत बन दिने से तनकार याद बच के रहियो भैया, कलयुग छाए रहियो हो भरमार याद बच के रहियो भैया। और पांच मिनट और ये कमल का पुरस्कार भूरी सिंह डीलर जी दे रहे हैं। और ये कमल का पुरस्कार भूप सिंह पप्पू साहब दे रहे हैं। इक्यावन का पुरस्कार हमारे बाबा साहब सत्तो जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और देखो साहब बेटा माने गो माता पिता की, जब तक शादी ना होगी बाकी। घर के अंत तो बोले दो साल रह लेगा और ससुराल में जाके फोटो फेंकेगो शास्त्रीय मम्मी जी नमस्ते। और देख लियो साहब तुम्हारे छोरा के कारनामे ने। और बेटा माने को माता पिता की, जो तक शादी ना होगी बाकी। और अरे पीछे प्यारी लगेगी ससुराल याद बच के रहियो भैया, कलयुग छाए रहियो हो भरमार याद बच के रहियो भैया। और जाके हाथ में होगी लाठी, अगर भैया भैया होंगे तो जगह के ऊपर तो एक भैया दूसरे की टांटे फाड़ देगा। और साड़ू आएगा ना तो लंबे से आतर करेगा, और भाई क्या हो रहा है। और क्या कहा,
जके हाथ में होएगी लाठी भाई को खेरो भाई की घाटी। क्या बात है बेटा, कोई काम को नंबरदार यादे बच के रहियो भैया। कलयुग छाए रहियो हो घर मार यादे बच के रहियो भैया। और वो पे राम भजन ना होए तो कबारे बाबा, वो पे राम भजन ना होए तो पे हरि भजन ना होए। वो फसके माया के चक्कर में तो पे राम भजन ना होए। और पैसा के सब नाती बेटा, पैसा ही सब कछु होए। और अगर तुम 7 साल के बच्चा तो यू कहेंगे ना कि बेटा ने एक लोटा पानी भर लियो, बाबा के तो सारे मेहमान करेगा कि पहले मेरी 20 रुपया एंट्री फीस तो काट दे। पैसा के सब नाती बेटा, पैसा ही सब कछु होए। जो दौलत तेरे पास नहीं तो को पूछे गो तोए। ओ फसके माया के चक्कर में तो पे राम भजन ना होए। देखो सब कतई पॉइंट की बात कंगो, जब मैं आज छायपुर में आ रहा पाओ तो दो अम्मा बतरा रही का कह रही ते तू पतो है मेरे छोरा ने कितने खून खाए। अरे दूसरी अम्मा को होगा परी यहाँ बोल का खाए। मैंने कही मेरी छाती को खंजा बना दिया खंजा। अरे दूसरी अम्मा को कमना पड़ रही, 4 दिन तुम कहे फिर तू तड़ाक बतराए। अगर तुम्हारी नई नौली ब्याह हुआ होगा तो बहू पतो काटेगी तुम कहा रही, तुमने रोटी चे नहीं किन्ना दी। और एक आध बार बच्चों है जावेगा तो कह के की पतो है तू कहा जा रहा है, तेरे अंगा चले कि ना चले। पैसा के सब नाती बेटा और सबरी उमर को नया ने खाया जी जी का बताऊं तोए। और रुक जाओ सब लास्ट बनती है। सबरी उमर को नया ने खाया जी जी का बताऊं तोए। फिर का कह रही जी मर जाए के मैं मर जाऊं का जी मर जाए के मैं मर जाऊं मेरा जब नेरा फेरो होए। देखो सब दोनों हाथ ने ऊपर खड़े कर लियो कर लियो। ओ फसके ओ फसके ओ फसके